गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 3 परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। आज हमें पढ़ना है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। देखिए बच्चों, आपको एक बात याद रखनी है कि कभी भी परमाणु, किसी भी तत्व का परमाणु, परमाणु अवस्था में स्वतंत्र नहीं होता। परमाणु अवस्था में स्वतंत्र नहीं होता तो फिर किस अवस्था में स्वतंत्र होगा, किस अवस्था में पाया जाएगा, तो ये हम डिटेल बता रहे हैं आपको। देखिए कि तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते। स्वतंत्र नहीं होते तो ये क्या करते हैं, ये दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके अणु या आयन बनाते हैं। तो हम बता सकते हैं बच्चों, तत्वों के परमाणु अणु या आयन बनाते हैं। कोई भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, सिर्फ मात्र उत्कृष्ट गैसें ऐसी हैं जो स्वतंत्र अवस्था में परमाणुवीय रूप में पाई जाती हैं। तो देखिए बच्चों, उत्कृष्ट गैसें परमाणु अवस्था में, परमाणु अवस्था भी बोल सकते हैं, परमाणु अवस्था भी लिख सकते हैं हम, परमाणु अवस्था में पाई जाती हैं। तत्वों में से कोई सा भी तत्व के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते, लेकिन उत्कृष्ट गैसें ऐसी हैं जो परमाणु अवस्था में पाई जाती हैं। उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी हैं, जैसे हीलियम, हीलियम को हम एच ई से लिखते हैं, नियोन, बल्ब के अंदर भरी होती है ना बच्चों नियोन गैस, तो ये उत्कृष्ट गैस है, ये भी परमाणीय रूप में पाई जाती है, इसको लिखते हैं एन ई से। ऑर्गन, रोड पे आप लाइट देखते हो, ऑर्गन, ऑर्गन को हम लिखते हैं ए आर से। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन को लिखते हैं के आर से। जीनोन, जीनोन को लिखते हैं एक्स ई से। रेडॉन, आर एन से। कोई सा भी परमाणु स्वतंत्र नहीं पाया जाता, लेकिन उत्कृष्ट गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। और उत्कृष्ट गैस कौन कौन सी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। बच्चों आपको ऐसा लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो जब मैंने आपको वापस से, जब मैं आई थी काफी दिनों बाद, तो मैंने आते ही सबसे पहले आपके सामने सिलेबस डिस्कस किया था, और उसका मकसद ये था कि ये सिलेबस आपको पता चल जाए कि कौन सा हमारे सिलेबस में है टॉपिक और कौन सा नहीं है। और अभी जो 10th क्लास में भी मैं पढ़ा रही हूं, 9th क्लास में भी जो पढ़ा रही हूं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स हमको एक्स्ट्रा बताने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो पॉइंट्स नहीं बताएंगे तो आपको वो टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा। तो अपने मन में ऐसे विचार ना डालें कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपको पढ़ने हैं बच्चों, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस अभी कुछ नहीं कराया जा रहा, सिलेबस आ चुका है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको कराया जा रहा है। तो आपका ये है
परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, तो इसके तीन पॉइंट्स बताए हैं मैंने, नोट कर लीजिए। तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में है बच्चों की, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहता है। जब तक सिलेबस नहीं आया उससे पहले तो आपको बता दिया था एक्स्ट्रा, लेकिन सिलेबस आने के बाद ओनली हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपके सिलेबस में अणु क्या है। तो अभी अभी हमने बताया, क्या बताया कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते तो ये क्या करते हैं, अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर क्या बनाते हैं, अणु। तो हम बताएंगे कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर अणु बनाते हैं। ये परमाणु समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल बताते हैं हम, जैसे ये हाइड्रोजन परमाणु है H, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता तो ये क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक बंध के द्वारा जुड़ जाता है। ये बंध के द्वारा जुड़ गया है तो दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ गए हैं और ये जो जोड़ने का काम होता है ये होता है रासायनिक बंध का और ये बनाता है H2। ऐसे ही ऑक्सीजन परमाणु से जुड़कर क्या बनाता है, ऑक्सीजन O2। तो यहां पर हम देखते हैं ये एक ही परमाणु था और ये भी एक परमाणु था, एक परमाणु के रूप में नहीं पाए जाते तो यहां पर दो परमाणु आपस में जुड़ गए हैं और क्या बना दिया, H2। ऐसे ही ऑक्सीजन परमाणु है, ये एक एक अवस्था में नहीं पाए जाते तो आपस में बंध द्वारा जुड़कर क्या बना देंगे, O2 ऑक्सीजन। और ये बन गया आपका, जब एक परमाणु ना होकर एक से ज्यादा परमाणु हो जाते हैं यानी कि दो या दो से अधिक, तब क्या बन जाता है, अणु। तो यहां पर देखिए कितने परमाणु आ रहे हैं, दो। नीचे की तरफ इनकी संख्या होगी तो यहां पर कितने परमाणु आ रहे हैं, दो, और यहां पर भी कितने परमाणु आ रहे हैं, दो। तो यहां पर ये बन गया हाइड्रोजन का अणु और ये बन गया ऑक्सीजन का अणु। तो इस तरीके से हम बच्चे देखें कि ये जो दो या दो से अधिक परमाणु हैं आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं, अणु। नोट कीजिए, अब हाइड्रोजन परमाणु H रूप में तो नहीं पाया जाता लेकिन H2 अणु रूप में पाया जाता है, अणु रूप में पाया जाता है। तो हम क्या कह देंगे कि हाइड्रोजन अणु यानी कि जो अणु है वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो
रूप से पाया जाता है, स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, अणु कहलाता है। तो बच्चों कई बार जो तुम एग्जाम देते हो, कोई कंपटीशन देते हो, तो उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण बताओ। तो आप सूक्ष्मतम कण क्या बताते हो? परमाणु बताते हो, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है कि परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। तो यहां पर थोड़ा सा चेंज हुआ है कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाएगा, अणु स्वतंत्र रूप में पाया जाएगा। और स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाला पदार्थ का सबसे छोटा कण होगा बच्चों अणु। तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है अणु कहलाता है, और पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। आ रहा है समझ में? तो देखिए, स्वतंत्र रूप में जो पाया जाएगा वो होगा अणु। तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है अणु कहलाता है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्व, भिन्न 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 तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके या जुड़कर संयोग करके अणु बनाते हैं। तो अणु के तीन पॉइंट्स हो गए हैं। एक तो ये कि परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर अणु बनाएंगे, दूसरे स्वतंत्र रूप में पाए जाएंगे, और तीसरा या तो एक ही तत्व के परमाणु हो सकते हैं या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हो सकते हैं। तो एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु क्या बनाते हैं? H2O। तो यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कितना है? दो। देखिए H2O में देखिए H H क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? दो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कुछ नहीं लिख रहा, मतलब एक है। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं? H2O, वाटर बना रहे हैं। ऐसे ही CO2, CO2 में आप देखिए कार्बन का एक कुछ नहीं लिख रहा, मतलब कि एक है। और ऑक्सीजन के दो, नीचे जो संख्या लिखी होती है वो परमाणुओं की संख्या है। तो कार्बन का एक और ऑक्सीजन के दो मिलकर क्या बना रहे हैं? CO2। आ रही बात समझ में आपको? तो इस तरीके से एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या करते हैं? आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया दो या दो से अधिक परमाणु, ये भी दो या दो से अधिक परमाणु, और यहां पर H2 में कितने परमाणु हैं? एक जैसे ही परमाणु हैं। तो यहां तो एक ही तत्व के परमाणु हैं और यहां भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं, और इनमें जो संख्या लिखी होती है किसमें? अणु में। नीचे की तरफ जो संख्या लिखी होती है वह होती है परमाणुकता। तो अणु में परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता। तो एक बार पहले आप इसे नोट कीजिए।
तो बच्चों जैसे देखिए H2O CO2 NH3 H2 O2 N2 ये सब अणु हैं। क्या है ये सब अणु? एक रूप में तो परमाणु होता है और एक से ज्यादा परमाणु आ जाते हैं तो कहलाता है अणु। अब ये जो H2O का अणु बना हुआ है इसमें हम परमाणुओं की संख्या देखते हैं बच्चों। इसमें देखें H2O में तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलके बना है, ये तो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इन दोनों से मिलकर क्या बना है H2O। अब हाइड्रोजन में देखिए बच्चों कितनी संख्या है यहां पर हाइड्रोजन की, नीचे जो लिखी होती है वही संख्या होती है, तो हाइड्रोजन की कितनी संख्या है? दो। और ऑक्सीजन की कुछ नहीं लिखा मतलब एक, बताया था ना आपको कि अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब एक, तो यहां पर ऑक्सीजन की कितनी है? एक। तो हाइड्रोजन की दो और ऑक्सीजन की एक, दो और एक कितने हो गए बच्चों? तीन। H2O में परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई है? तीन। तो H2O क्या है? अणु। और अणु की संरचना में, अणु की संरचना में परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? परमाणुकता। क्या कहलाती है? परमाणुकता। अभी बच्चों वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। और अभी हम देख रहे थे परमाणुकता। तो देखिए टॉपिक आता है हमारा परमाणुकता। परमाणुकता, परमाणुकता क्या है? अणु है और ये अणु की संरचना है और इसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो हम लिख सकते हैं अणु की संरचना में उपस्थित परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है। परमाणुकता कहलाती है। देखिए बच्चों H2O जल का अणु है, वाटर का अणु है और इसमें हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है, तो परमाणुकता कितनी हो गई इसकी? तीन। तो अब हम डायरेक्ट इनकी परमाणुकता बताते हैं, आपको इंटरेस्ट आएगा, घर पर भी आप इन्हें निकाल कर देखना परमाणुकता की इसकी कितनी होगी, और आप मुझसे YouTube पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मैडम इसकी कितनी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। H2O परमाणुकता, H2O की परमाणुकता है तीन। देखिए हाइड्रोजन की दो और ऑक्सीजन की एक, दो और एक तीन हो गए मिलकर। यहां पर देखिए कार्बन, कार्बन कोई संख्या नहीं है मतलब एक है। ऑक्सीजन कितने हैं? दो। तो दो तो ऑक्सीजन के और कार्बन के एक मिलकर कितने हो गए बच्चों? तीन। तो इसको कितनी हो गई इसकी परमाणु संख्या, परमाणुकता कितनी हो गई? तीन। इसकी भी कितनी है? तीन। यहां पर देखिए बच्चों नाइट्रोजन, ये अमोनिया है NH3 अमोनिया गैस, और ये है CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इसमें परमाणु क्या कितनी है? तीन। NH3 अमोनिया है, अमोनिया गैस, और इसके परमाणु की संख्या बताते हैं हम, नाइट्रोजन कितना है? एक। हाइड्रोजन के कितने हैं? तीन, और एक और तीन मिलकर कितने हो गए? चार। तो NH3 में परमाणुकता कितनी है? चार।
अब आप देखिए यहां पर परमाणुकता इसकी कितनी है, दो। यहां पर परमाणु कितने नजर आ रहे हैं, दो, और इसकी परमाणुकता कितनी है, दो। तो इस प्रकार से अणु की संरचना में उपस्थित परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है। नोट कर लीजिए, अब ये अणु एक ही तत्वों से मिलकर बना हो तब तो कहलाता है तत्व, और जब अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होता है तब कहलाता है ये यौगिक। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना तत्व और भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बना यौगिक, और यौगिक में भी क्या होगा, निश्चित अनुपात किसका, परमाणुओं का। परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको स्थिर अनुपात के नियम में। नेक्स्ट आता है बच्चों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आयन, टॉपिक है आयन क्या है। आयन क्या है, ऐसा यौगिक जिसमें धातु परमाणु भी हो और अधातु भी हो। तो धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से आवेशित कणों से बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, जिनमें धातु भी होगी और अधातु भी होगी, और वो कैसे होंगे, आवेशित कण होंगे। तो धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, रसायन विज्ञान के अकॉर्डिंग, जो हम रसायन विज्ञान ही पढ़ रहे हैं, और इसमें है आयन क्या है। तो धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने हैं, और इन आवेशित कणों को क्या कहते हैं हम, आयन। आयन दो प्रकार के होते हैं बच्चों, पहला धनावेशित कण, अगर जो धनावेशित कण है जिस पे धनावेश है, धनावेशित कण। अब धनावेशित कण को हम सपोज मान लेते हैं कि A है और इस पर आवेश कैसा आ रहा है, प्लस, तो धनावेशित कण, और ये क्या कहलाएगा, धनायन। और दूसरा ऋणावेशित भी हो सकता है, तो ऋणावेशित कण मान लो A पर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, ऋणावेशित बन जाए, तब माइनस आ गया तब ये कहलाएगा ऋणायन। आ रही बात समझ में बच्चों, कि कोई भी यौगिक है धातु और अधातुओं से मिलकर अगर बना है तो आवेशित कणों से मिलकर बना है, और इन आवेशित कणों को हम आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के हैं, धनावेशित कण और ऋणावेशित कण। धनावेशित कण को धनायन बोलते हैं और ऋणावेशित कण को ऋणायन बोलते हैं बच्चों, नोट कीजिए। अब जैसे एक यौगिक की, यौगिक NaCl के बारे में देखते हैं, जो धातु और अधातु से मिलकर बना है, यौगिक NaCl।
यहां पर एन ए सोडियम है और ये है धातु और सीएल है वो है अधातु। सोडियम तो क्या है धातु और सीएल क्या है अधातु और इससे बन गया यौगिक। और अगर हम इसको खोलकर देखें तो ये किस किस से मिलकर बना है, ये बना है एन ए प्लस और सीएल माइनस से, एन ए प्लस और सीएल माइनस से। यहां पर जो एन ए प्लस आ रहा है वो है सोडियम धनायन और सीएल माइनस क्या है क्लोराइड ऋणायन। तो NaCl में Na प्लस और Cl माइनस आयन है, Na प्लस व Cl माइनस। तो ये आपके आयन हैं बच्चों और कुछ आयन्स हम आपको बताएंगे। पहले आपको आयन याद करने पड़ेंगे उसके बाद ही आप रासायनिक सूत्र बना सकेंगे। तो अब मैं आपको कौन कौन से आयन हैं हमारे कोर्स में वो आयन्स के संकेत और नाम बता रही हूं, आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। तो बच्चों इनको याद जरूर करना आयंस को जो मैं अभी आपको लिखवा रही हूं, जब आप इनको याद करेंगे तभी आपसे रासायनिक सूत्र बन पाएंगे, क्योंकि रासायनिक सूत्र हमारा एक टॉपिक है जो हमारे कोर्स में है रासायनिक सूत्र। ये सूत्र बनाना तो 10th क्लास के बच्चों को भी आना चाहिए, कई बार बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, तो आपको 9th में ही अच्छे से सीखना है क्योंकि 10th में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब देखिए हम बता रहे हैं आयन के नाम और आयन में भी हम सबसे पहले बता देते हैं इधर धनायन, धनायन के नाम और इधर लिख देते हैं हम संकेत कि उसको किस संकेत से लिखेंगे। तो हम बताएंगे जिन पे प्लस हो, प्लस एक आवेश हो, प्लस दो आवेश हो, प्लस तीन आवेश हो। तो सबसे पहले हम प्लस एक आवेश वाला बता रहे हैं H प्लस, Na प्लस, Ag प्लस, Cu प्लस। दिख रहे हैं आपको बच्चों, यहां पर हमने बताया H प्लस, Ag प्लस, Cu प्लस और Na प्लस, ये हम चार बता चुके हैं। अब हम इनके नाम बताते हैं। ये है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन। ये सोडियम धनायन, ये सिल्वर धनायन और ये कॉपर धनायन। ये इन धनायनों के क्या है बच्चों नाम। हाइड्रोजन धनायन को लिखा जाता है H प्लस से, सोडियम धनायन को लिखा जाता है Na प्लस से, सिल्वर को लिखा जाता है Ag प्लस से और कॉपर को लिखा जाता है Cu प्लस से। ये वो धनायन है जिन पर प्लस एक आवेश है, धनावेश का मान कितना है प्लस वन। नोट कीजिए, ये हमने प्लस वन आवेश वाले बताए हैं आपको। अब हम प्लस टू वाले बता रहे हैं आपको जिन पे प्लस दो आवेश होता है धनावेश। तो देखिए Mg टू प्लस, इस पे कितना आवेश है दो। Ca टू प्लस, Fe टू प्लस, Cu टू प्लस और Zn टू प्लस, जो आपके काम आएंगे सूत्र वही हम आयन के नाम लिखवा रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे आयन हैं लेकिन आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ही हम आयन बता रहे हैं जो आपके कोर्स में है। तो Mg2+,
सी ए टू प्लस, एफ ई टू प्लस, सी यू टू प्लस और जिंक टू प्लस। यहां पर कॉपर का आपने सी यू का प्लस वन भी देखा था और इसका सी यू प्लस टू भी होता है, प्लस टू वाला भी होता है। तो ये क्या है बच्चों? मैग्नीशियम आयन। और ये बच्चों कैल्शियम। ये लोहे का है, इसे आयरन बोलते हैं। इसको फेरस आयन बोलते हैं, फेरस धन आयन। और ये यहां पर जो सी यू प्लस वन था, यहां पर क्या है सी यू प्लस टू, और ये है कॉपर धन आयन प्लस टू वाला, और ये है आपके जिंक, जिंक धनायन है जिस पर कितना आवेश है, टू प्लस है। तो यहां पर मैंने आपको प्लस टू यानी कि जिस पे धनावेश का मान कितना है, दो, दो धनावेश है उसके बारे में बताया है। तो कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर और जिंक। कुछ आयन बच्चों एक से ज्यादा परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो बहुपरमाणुक आयन कहलाते हैं। अब हम यहां पर तीन जिस पे है वो बता देते हैं, एल्यूमिनियम, और इस पर कितना होता है, तीन। तो ये कौन सा आयन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धनायन है बच्चों, ये Al प्लस थ्री, तीन जिस पे आवेश है, प्लस का आवेश कितना है, तीन। यहां पर तो एक ही प्रकार के परमाणु हैं, कुछ बहु परमाणुक धनायन भी होते हैं, बहु परमाणुक धनायन। और उस बहु परमाणुक धनायन में एक हमारा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है NH4 प्लस, NH4 प्लस। अभी मैंने आपको बताया NH3, ये थी अमोनिया, क्या थी, अमोनिया। लेकिन यहां पर एक H फालतू आ गया है और प्लस भी आ गया है इसके पास, तो इसका नाम है अमोनियम आयन। क्या नाम है इसका? अमोनियम आयन। धनायन है ये, और इससे ज्यादा परमाणुओं से मिलके बना है। देखो एक परमाणु तो ये है और दूसरे प्रकार का परमाणु ये है, हाइड्रोजन परमाणु। एक से ज्यादा परमाणु से मिलके बना है इसलिए इसको बोल दिया बहु परमाणु धनायन, और इसका नाम है अमोनियम आयन। और ये किससे बना है वैसे? अमोनिया से, अमोनिया गैस है, उसमें एक और हाइड्रोजन आ जाता है तो बन जाता है अमोनियम आयन, बहु परमाणु धनायन। तो अभी जो मैंने आपको बताया बच्चों, ये थे धनायन। क्या थे बच्चों? ये धनायन। और इनको नाम सहित और इनका आवेश सहित आपको याद रखना है। जैसे जिंक, तो जिंक कौन से आयन के रूप में होगा? जेड एन टू प्लस के रूप में। कैल्शियम कौन से आयन के रूप में होगा? सी ए टू प्लस के रूप में। मैग्नीशियम कौन से आयन के रूप में होगा? एम जी टू प्लस के रूप में। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस रूप में होगा? एच प्लस के रूप में। सोडियम, सोडियम किसके रूप में होगा? एन ए प्लस के रूप में। तो आपको ये धनायन याद करने हैं बच्चों, अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट देखिए, ये तो हमने धनायन के नाम बताए थे और धनायन के संकेत बताए थे, अब हम बताएंगे ऋणायन और उनके संकेत। तो हाइड्रोजन प्लस रूप में भी पाया जाता है और माइनस रूप में भी पाया जाता है। यह है सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, इन पे एक एक माइनस वन का चार्ज है। और माइनस जब आता है तो इड लगा देते हैं, तो इसका नाम है बच्चों हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड। वो तो हाइड्रोजन था और ये है हाइड्राइड।
अब ये देखिए बच्चों, Cl माइनस है और Cl को बोलते हैं क्लोराइड, क्लोराइड। ये Br है, Br होता है ब्रोमीन और इसका नाम है ब्रोमाइड। ये आयन के रूप में पाया जा रहा है, एक परमाणु है और उस पर भी आवेश आ गया, तो ये है ब्रोमाइड। और यहां पर ये आई है, ये है आयोडाइड। तो ये वो ऋण आयन है, किसका नाम बता रहे हैं हम, ऋण आयन के नाम और संकेत। ये वो ऋण आयन है जिन पर माइनस वन चार्ज होता है, माइनस वन आवेश होता है। तो हमने बताया H माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। ऐसे आयन जिन पे दो माइनस का होगा तो ये है O टू माइनस, S टू माइनस, और इनका नाम होगा बच्चों, इसका नाम होगा ऑक्साइड। ऑक्सीजन से बना है इसलिए इसका नाम है ऑक्साइड। इड लग रहा है बच्चों, देखिए इड ऋणायन है, इड लगता है। ये क्या है, सल्फर है और इससे जो बना है ये है सल्फाइड। इन दोनों पे कैसा है, माइनस दो आवेश। कितना आवेश है, माइनस दो। और यहां पर हम देखें बच्चों एन, और एन पर आता है थ्री माइनस और इसका नाम है नाई ट्राइड। वैसे तो वक्त हो चला लेकिन अभी दो चार है, मैं आपको उनको लिखवाऊंगी नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। एसओ थ्री माइनस टू, एसओ फोर माइनस टू, या टू माइनस लिख दें हम, ऐसे ही एनओ टू माइनस, एनओ थ्री माइनस, सीओ एच सी ओ थ्री माइनस एच, ये है सी ओ टू माइनस टू। इसमें देखिए ये तो आपके एक एक परमाणुओं से मिलकर बने हैं और इन पर है माइनस एक एक ऋणावेश। यहां पर दो ऋणावेश है और यहां तीन, यहां पर क्या है, एक से ज्यादा परमाणु है। देखिए यहां पर एक इसका है और तीन ऑक्सीजन के हैं। एक से ज्यादा परमाणुओं से मिलकर बना है बहु परमाणु कायन। यहां पर भी एक से ज्यादा परमाणुओं से बहु परमाणु, तो इसका नाम है सल्फाइट। ये है सल्फेट, नाइट्राइट। वो इड था, ये इट है, ये नाइट्रेट, और ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये है आपका कार्बोनेट। ये इनके नाम है ऋणायंस के बच्चों, आपको ये ऋणायंस याद है, एक बार नोट कीजिए जल्दी से। एक लिखे हुए हैं और इसे बोलते हैं फॉस्फेट। तो ये ऋणायन के बारे में बताया आपको कि ऐसे ऋणायन जिन पे माइनस होता है एक, ऐसे ऋणायन जिन पे दो होता है दो माइनस, ऐसे ऋणायन जिन पे तीन माइनस चार्ज होता है, और उनके नाम जब एक जैसे परमाणु हो तो, और एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु हो तो ये वाले एक से ज्यादा प्रकार के बहु परमाणुक आयन बोलेंगे, बहु परमाणुक आयन। एक से ज्यादा, एक तो ये, तीन ये, चार परमाणु हो गए हैं, एक ये, चार ये, पांच परमाणु, तो एक से ज्यादा परमाणु है तो इनको बोलेंगे बहु परमाणुक आयन। तो आज आपको आयन के रूप में बताया है बच्चों, और आप इन्हें किताब में से भी देख लिए, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग है ये बुक में से भी, और नेक्स्ट टर्न पर आपको बताएंगे रासायनिक सूत्र बनाना। तो 7 से और 16 तक मध्यावधि अवकाश है, उसके बाद 17 तारीख को हम आपसे मिलते हैं, और एडवांस में आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। और इन छुट्टियों में आपको पढ़ना है जितना पढ़ा चुके हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।